What's going on guys, I hope you all are doing great. Welcome back to the channel. और दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने एक रेस्टोरेंट के लिए एक बर्गर बीरोल शूट किया. ये बीरोल स्टोरी फॉर्मेट में था, दैट मीन्स इट वॉज नॉट अ हॉरिजॉन्टल वीडियो बट एक वर्टिकल वीडियो था. और आज के वीडियो में मैं आपको पूरा BTS का दिखाने वाला हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से शूट किया. जिसके पहले मैं आपको BTS दिखाऊँ, पहले आप ये बीरोल देख लीजिए जो हम लोगों ने शूट किया, एंड लेट मी नो आपको ये बीरोल कैसा लगता है. How is it? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और अगर बीरोल अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर आपने किया नहीं है. बट नाउ यू गाइस एंजॉय द एंटायर बिहाइंड द सीन्स, हम लोगों ने किस तरह से इसको शूट किया, क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई. आप वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि आप इसमें से काफी चीजें सीख पाओगे और जो आप अपनी फिल्मिंग रूटीन में इंक्लूड कर पाओगे. सो या एंजॉय द वीडियो. फाइनली हम लोग हमारे पहले शॉट के साथ शुरू करने वाले हैं. या शूटिंग ऑन द ग्रिल और फॉर द रिब्स. अब मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, बट कोशिश रहेगी कि वी कैन गेट दैट इमोशन आउट टू द व्यूअर्स जो लोग खाते हैं. एंड तन्वी ओवर हियर इज वेयरिंग द एप्रन आल्सो, गेटिंग रेडी एज द मॉडल फॉर द शूट. तन्वी को सिर्फ बटर ग्रिलर पे वो डाल रही है. एंड डू द एक्शन दैट यू गोना डू. तन्वी कुछ इस तरह का एक्शन करने वाली है और मैं कैमरा से आई एम गोना ट्राई टू फॉलो हर इन 120 फ्रेम्स पर सेकंड. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. नाइस. हाँ ऐसा दो तीन बार ऐसा कट 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 कर. स्वेटिंग बॉल्स. और मैंने बाय गलती से थोड़ा सा बटर बिक लिया कैमरा के लेंस के ऊपर. अब ये शॉट में तन्वी को ऐसा दिखाना था कि वो जो पेजली थे जो रिब्स उसके ऊपर वो पोर कर रही है. तो मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव बनना था, तो आपको देख सकता मैंने किस तरह से ये शॉट लिया. समटाइम्स शूट पे क्रिएटिव हो जाना कैन बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ताकि आप कुछ यूनिक शॉट्स डेवलप कर सके. द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डोंट कम अंडर प्रेशर. कूल रहिए, सोचिए एंड देन शूट कीजिए, आपको उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं. अभी तक हम लोग आईफोन पे शूट कर रहे थे पूरा BTS, बट वाइब वाज फाइनली हियर. सो अभी अपने सोनी पे शूट करेगा स्पेशली जब मैं अपने R6 पे शूट कर रहा हूँ जिसमें ओवर हीटिंग के इश्यूज है, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. कैमरा इज ऑलरेडी हीटेड अप क्वाइट अ बिट. हम लोग शुरू कर रहे हैं विद द सेकंड प्रोडक्ट जो चिकन विंग्स हैं इन लोगों के. एंड तन्वी जस्ट पोर्ड द सॉस राइट नाउ. और हम लोग एक बेसिक टॉसिंग सीन देने वाले हैं अभी. एंड दिस इज गोना बी वन ऑफ द साइड प्रोडक्ट्स. द मेन प्रोडक्ट इज द बर्गर जो हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. यस, सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? एनीथिंग मैन. रिब्स सभी बने हैं, क्या दूर रहो. Oh, good one. Wow.
मुझे एक टॉप शॉट चाहिए था ऑफ द विंग्स फ्लाइंग और वो वापस अंदर गिर रहा है, तो मैं काउंटर के ऊपर खड़ा रह गया और मैंने ऊपर से 120 फ्रेम में वो शूट किया जब तन्वी फ्लिप कर रही थी। एंड आई थिंक वी गॉट अ प्रीटी डीसेंट शॉट, होपफुली हम वो यूज करेंगे। व्हाट डू यू थिंक तन्वी? या आई थिंक इट वाज अ गुड शॉट। हम लोग बर्गर शुरू करने से पहले जो मेन प्रोडक्ट है, हम लोग एक बियर का भी शॉट ले रहे हैं। एज अ रेस्टोरेंट इज ऑल्सो नोन फॉर सर्विंग अल्कोहल विद देयर अमेजिंग फूड, तो यहाँ पे जैसा टैप एंड तन्वी विल बी स्टैंडिंग ओवर देयर और आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ स्लो पैन टुवर्ड्स तन्वी एज शी फिल्स इट और फिर फॉलोड अप विद थोड़े से क्लोजअप उसके। ऑल्दो हम लोगों ने बियर पोरिंग के काफ़ी सारे शॉट्स लिए हैं, फाइनल एडिट में सिर्फ एक ही शॉट था जो इंक्लूड हुआ। एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू ऑल शुड अंडरस्टैंड, जस्ट बिकॉज आप ज़्यादा शॉट्स लेते हैं डजंट मीन आपको सारे शॉट्स इंक्लूड करने हैं। फाइनल एडिट में सिर्फ जो चीज़ें नेसेसरी है वही आती है एंड दिस इज वैन एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। जब आप शूट 100% करते हैं बट आपके फाइनल एडिट में सिर्फ 10 या 6% से आप पूरा एडिट बनाते हैं, आई थिंक दैट इज़ वैन यू गेट द बेस्ट लुकिंग रिजल्ट्स पॉसिबल। First shot we'll have it like that and then we'll shoot up the meat. तो हम लोग फाइनली भी बर्गर का शूट शुरू करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना बी डूइंग इज सेटिंग अप द प्लेट। इसमें हम लोग सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स एंड बंस एंड द मीट हम लोग इसको सारे इधर रखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट शूटिंग। नो इट लुक मोर इफ यू लाइक इट सो मेक ओपन यू थिंक यू हैव टू बी क्विक थिंक कट। Even if it breaks, if I get the air shot, either we put it up. Let it get occupied, then as you're saying, you want that shot to be taken. Again? 1 second. Okay, 1, 2, 3, flip. नहीं, यू विल हैव टू टेक थोड़ा एंड देन लाइक वन बाय वन ड्रॉप वन वन दे रहे थे। अभी फाइनल शॉट के लिए मुझे जो बर्गर जब प्लेटेड रहेगा मुझे पीछे से लाइटर और ये डीओ के साथ ऐसा एक एक्सप्लोजन ऑफ फायर चाहिए। सो फॉर डूइंग दैट हम लोग थोड़ा ट्राई आउट कर रहे हैं यहाँ पे कितना फ्लेम होने वाला है। सो इट्स सेफ टू डू इन साइड। पास ले हाँ अभी कर। जल रहा है? अरे जल रहा है ब्रो, धुआं ये निकल रहा है ना बाहर उसका। दिख नहीं रहा है? नहीं बाहर नहीं दिख रहा होगा। बट इसी के साथ दोस्तों ये बी रोल और इसका पूरा बिहाइंड द सीन्स खत्म होता है। दिस इज हाउ वी एंडेड अप शूटिंग द एंटायर थिंग। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छा लगा है मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके पास ऐसे कोई टिप्स है जो मुझे अगले टाइम इंक्लूड करने चाहिए या यूज करने चाहिए मेक श्योर यू लेट मी नो क्योंकि आई वुड लव टू नो देम। दोस्तों आज का ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।